भारत ने जब से टेररिज्म के ऊपर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाया है और पाकिस्तान को उसी की लैंग्वेज में जवाब देना स्टार्ट किया है, तब से पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ा जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर में पंजाब वाला ही घिनौना हरकत किया जा रहा है। नेशनल क्राइम ब्यूरो द्वारा 2022 की ड्रग रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिसमें बताया गया है कि सीमा पार से जम्मू एंड कश्मीर में ड्रग अब्यूज के मामले 37% बढ़ गए हैं। पाकिस्तान आए दिन सीमा पार से ड्रोन की मदद से ड्रग्स भेज रहा है और जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट करना चाह रहा है, जिससे कि वहां के यूथ भटक जाएं। लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा इस चीज को टैकल करने के लिए बॉर्डर एरिया में अब एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जा रहे हैं, वहीं हर रोज छापेमारी जारी है। वैसे भी पाकिस्तान जैसे निकम्मे पड़ोसी से हम अच्छाई की उम्मीद तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन अब टाइम आ गया है कि पाकिस्तान को एक बार फिर से 1971 की याद दिलाई जाए।